दोस्तों बड़ी खबर क्रिकेट जगत से आ रही है। दोस्तों खबर है कि सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया है। आपको बता दें कि सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने रविवार को यह जानकारी दी। राजेंद्र जडेजा 66 साल के थे। एससीए ने अपने बयान में कहा है कि एससीए में सभी राजेंद्र सिंह जडेजा के असामयिक निधन से दुखी हैं, जो सौराष्ट्र के अतीत के सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक थे। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज तड़के उनका निधन हुआ। वहीं आपको बता दें कि जडेजा दाएं हाथ के उम्दा तेज गेंदबाज होने के अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट चटकाए थे। उन्होंने इन दोनों फॉर्मेट्स में क्रमशः 1536 और 104 रन भी बनाए थे। जडेजा 53 प्रथम श्रेणी, 18 लिस्ट ए और 34 T20 मैचों में BCCI के आधिकारिक रेफरी भी रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि वह सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के चयनकर्ता, कोच और टीम मैनेजर भी रहे हैं। BCCI और SCA के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने कहा है कि राजेंद्र सिंह जडेजा स्तर, शैली, नैतिकता और शानदार क्रिकेट क्षमता वाले व्यक्ति थे। क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। SCA अध्यक्ष जयदेव शाह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, यह विश्व क्रिकेट की बड़ी हानि है। राजेंद्र सर जिन लोगों से मैं मिला उनमें सबसे शानदार व्यक्तियों में से एक हैं। मैं भाग्यशाली रहा कि उनके हमारे मुख्य कोच, मैनेजर और मार्गदर्शक रहते मैंने कई मैच खेले। वहीं हालिया समय में पूर्व क्रिकेटरों सहित कई खिलाड़ियों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। इनमें राजस्थान के क्रिकेटर विवेक यादव, चेतन चौहान, किशन रुंगटा, ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट रविंद्र पाल सिंह, एमके कौशिक हॉकी खिलाड़ी विलियम डिसूजा, पूर्व फुटबॉलर निखिल नंदी, अहमद हुसैन सहित कई खिलाड़ी शामिल है। इनके अलावा BCCI के पूर्व स्टेटिसियन दिनार गुप्ते का भी कोरोना से निधन हुआ है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।